राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी की पीएससी की महत्वपूर्ण दिल्ली में बैठक हुई। ये बैठक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन्स स्थित आवास पर हुई है। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया गया है। बता दें, बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, आतिशी, एनडी गुप्ता, दुर्गेश पाठक, पंकज गुप्ता, राघव चड्ढा, इमरान हुसैन और राखी बिरलान सहित सभी 11 पीएससी सदस्य मौजूद रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के साथ है आम आदमी पार्टी। यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान किया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का समर्थन देने का ऐलान किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आपकी पीएससी की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि यशवंत सिन्हा को आपका समर्थन जाएगा। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, चुनाव के लिए मतदान होने हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से यशवंत सिन्हा का समर्थन करने की बात कह दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अध्यक्षता में पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई और एक मत से पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि इस चुनाव में महामहिम राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में हम लोग विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करेंगे। हम द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, उनका भी सम्मान करते हैं, उनके प्रति भी आदर है, लेकिन चुनाव में हम लोग विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को सपोर्ट करेंगे और सारे पार्टी के विधायक, सारे सांसदगण, सब लोग अपना वोट 18 तारीख को यशवंत सिन्हा जी को देंगे। ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी ने और पीएससी ने लिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।